लेट्स सी 18th की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है. 18th मंडे है, 18th ऑफ जुलाई. लेट्स सी 18th ऑफ जुलाई. ओके सो वी हैव वन. लेट्स सी 18th ऑफ जुलाई एंड 18th ऑफ जुलाई. ओके सो व्हाट इज द स्पिनर. ओके सो जिस तरह के ये कार्ड्स हैं मैं उस तरह से ही इनको इंटरप्रेट करने वाली हूँ. तो सबसे पहला जो सेट है वो मैंने लिया है ड्राउड क्राफ्ट टैरो से. सो लेट्स सी कि पहले होने क्या वाला है 18th को. 18th को कोई अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश करने वाला है. आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है और आप एक्चुअली दुश्मन को या जो भी लोग आपके आसपास हैं अगेंस्ट हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं या कुछ भी, उनको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली देख पाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे. दूसरा जो है वो मनी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विच इज़ गेटिंग द रिजल्ट ऑफ वॉट यू वर्क फॉर. मतलब अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिलना या किसी तरह का मनी जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आना. लेकिन मुझे यहाँ पर किसी गाइड से, किसी ओल्ड एनर्जी से आपकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को सही तरह से प्रोटेक्ट करते हो और बैलेंस करते हो. और लास्ट जो है ब्यूटीफुल, द लेडी का कार्ड आया है. एम्प्रेस की एनर्जी है, प्रेगनेंसी की एनर्जी है. एंड इफ यू सी शी हैज सो मेनी गिफ्ट्स अराउंड हर. और यहाँ पे एक फ्रॉग जो है वो भी दिखाई दे रहा है. द फ्रॉग इज ऑल्सो लुक्स लाइक द फ्रॉग इज प्रेगनेंट. और ये आई थिंक ये एक डॉल है जो किसी और कार्ड में भी मैंने देखी है. दिस माइट हैव सम मीनिंग. ओके आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट. लेकिन अगर आप ये एनर्जी देखो तो ये 6, 7, 6 और 3 की एनर्जी है. 7+3 10 की एनर्जी बनता है. 6+1 7 की एनर्जी बनता है. इसका टोटल भी 7 है. और मैं बोलूँगी कि एक जो 18th ऑफ जुलाई है उसमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए स्टैंड होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा. कुछ चीज़ें, कुछ दबी हुई चीज़ें, क्योंकि यहाँ बर्फ़ है और कॉइन्स है. कुछ दबे हुए राज, कुछ दबी हुई चीज़ें जो है वो बाहर आ सकती हैं और कोई चीज़ जो है वो ग्रोथ की तरफ जा सकती है. अगर आप मनी वेट, मनी गेन, प्रेगनेंसी, किसी गिफ्ट्स के आने की, किसी भी चीज़ की अगर आप वेट कर रहे थे तो वो चीज़ आपकी तरफ आएगी. नेचर अपने बेस्ट पे होगी. और यहाँ पे मुझे अगर मैं दूसरी तरह से इस एनर्जी को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश करेगा. पैसे दबा के, पैसे देके राज जो है उनको दबाने की कोशिश करेगा. लेकिन सब कुछ जो है वो बाहर आएगा और दिखाई देगा. मतलब क्लियर एनर्जी जो है वो बाहर आएगी. लेट्स सी यूनिवर्सल एनर्जी. सो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है. हैंग्ड मैन अगर आप देखें तो उसका हार्ट जो है इनलाइटेंड है. नट है उसके हार्ट में एक, और ये स्क्वल है यहाँ पर जो ये नट डेफिनेटली लेना चाहेगी. सो यू गॉट समथिंग जिसके जिसको कोई लेना चाहता है. यू गॉट समथिंग जो किसी और के काम आ सकता है. एक एनर्जी. दूसरा दो स्क्वल्स हैं, कॉम्पिटिशन की एनर्जी. तीसरा ग्रीन मैन एनर्जी है, नेचर की एनर्जी. चौथा मुझे हैंग मैन की एनर्जी दिखाई दे रही है. आई डू फील समथिंग रिलेटेड टू सुशांत केस एंड वो सुसाइड का एंगल. उससे रिलेटेड कुछ जो है वो 18th को आ सकता है या 18th को कुछ इनिशिएशन हो सकती है किसी ऐसे टॉक की, किसी ऐसे एंगल की, किसी ऐसे एक्शन की जहाँ पे या तो उनके अलाइव होने के बारे में कोई बात हो या उनकी सुसाइड नहीं थी के बारे में कोई बात हो. क्योंकि यहाँ पे हार्ट जो है वो एक्चुअली एलिमिनेट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है. और नेक्स्ट जो है यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है. अगर आप देखें तो जस्टिस अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ी है और यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है. दिस इज एनर्जी ऑफ कनेक्शन, सोलमेट्स, मीटिंग. एक तरह से मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी ही लग रही है क्योंकि यहाँ पे 11+2 3 की 11+2 4 की एनर्जी जो है यहाँ पे बन रही है. और 7 की एनर्जी हमारे पास पहले ही थी और 4+3 भी 7 बनता है. तो 7 7 की एनर्जी है. और ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन मुझे ऐसी ही मिल रही है जहाँ पे 18th को कोई ऐसा कनेक्शन उजागर हो, कोई ऐसा कनेक्ट उजागर हो, कोई ऐसी बात बाहर आए, कुछ ऐसा दबा हुआ बाहर आए जो आपके हार्ट को भी एलिमिनेट करे, अच्छा फील कराए और कोई दबी हुई एनर्जी बाहर आए. और आपकी आपकी लाइफ में भी किसी तरह का कनेक्शन, किसी का मिलना, कुछ इस तरह की एनर्जी जो है, कोई गिफ्ट्स आना, कोई पॉजिटिव एनर्जी जो है. 18th मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है. ओवरऑल एनर्जी 18th की मुझे बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव लग रही है. सो दिस इज ब्रिंगिंग इन सम पॉजिटिव न्यूज फॉर श्योर. या कोई पॉजिटिव एंगल या किसी चीज़ का कोई डिसीजन जो कोई पॉजिटिव कनेक्शन जो है उसको रिवील करेगा. लेट्स सी
कोई अपने आप को बहुत समय से छुपाने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग तरीकों से पैसे दे के, अलग अलग तरीकों से गेम खेल के, चेस खेल के, लेकिन वो उसका मतलब एक तरह से रिवील होना, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, बहुत सारे सी अगेन वही बर्फ में से निकलने का कार्ड आया है। ये स्नोमैन है और ये बर्फ क्लियर करने के लिए वो लेके शावल लेके चला हुआ है। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है क्योंकि पाइन ट्री है लेकिन क्रिसमस ट्री की तरह उसको सजाया गया है। एंड ऑल्सो पॉइंटिंग एट समथिंग और पॉइंटिंग एट समवन, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एंजल विंग की एनर्जी है विच इज़ द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन सिंगल विंग कुछ नहीं कर सकता है, दो विंग्स होने चाहिए। सो दिस इज दैट एनर्जी जहाँ पे दूसरा विंग जो है आपका, दूसरा पंख जो है आपका, वो आपको मिलेगा। सो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है। लेट्स सी, लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव आए। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंच जाए, फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अब बात करेंगे 19th की एनर्जी की।